हरिद्वार में आज सरकार द्वारा अपनी अनदेखी किए जाने के विरोध में दिव्यांग सड़क पर उतर आए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिव्यांगों का आरोप है कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू नहीं किया गया है। वहीं लगातार राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की उपेक्षा की जा रही है। साथ ही दिव्यांगजनों ने अपने लिए अलग से दिव्यांग आयोग के गठन की मांग की है। वहीं मांगे न माने जाने पर दिव्यांगजनों ने उग्र आंदोलन और प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 केंद्र सरकार ने बोला है कि लागू करने के लिए, और आज 2 साल हो गए हमारी सरकार जो है इसको अभी तक लागू नहीं कर रही है। और जब तक हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू नहीं होगा, तो जैसे प्रधानमंत्री जी हमें नाम दे दिया, दिव्यांग नाम तो दे दिया, सुगम भारत स्कीम निकाली, लेकिन उस पर राज्य सरकार अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर विवश होकर हमें जो है आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। और आज हम 7-8 संगठन मिलकर एक हमने महागठबंधन तैयार किया है, तो अभी हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। अगर मुख्यमंत्री हमारी बातों को नहीं सुनते और हमारी अनदेखी करते हैं, तो हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी हिला के रखें।